100 डेज पोर्ट्रेट ड्राइंग चैलेंज का आज है डे 4 और यहाँ पर काफी सारे लोगों ने विराट कोहली का ड्राइंग किस तरह से बनाते हैं कमेंट किया था, तो आज का वीडियो विराट कोहली के ऊपर हम बनाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए ग्रीट बनाते हैं। नहीं आता है तो ग्रीट किस तरह से बनाते हैं कोई बात नहीं, मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ किस तरह से आप ग्रीड अब बना सकते हैं किसी भी साइज के पेपर के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाके देख लेना। जब हमारा ग्रीड कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से हम एक पर्टिकुलर बॉक्स सिलेक्ट करेंगे, ऊपर से 3, नीचे की तरफ से D, जो ये वाला बॉक्स है, इसी बॉक्स से हम ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। फिलहाल जो ये वाला वीडियो है थोड़ा सा स्पीड अप वाला वीडियो है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो कोई नहीं देखता है। फिर भी अगर आपको फुल डिटेल पर रियल टाइम पर आपको सीखना है किस तरह से बनाते हैं, इसका मैं एक रियल टाइम वीडियो भी अपलोड करूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर होगा, आप ज़रूर देखना अगर आपको फुल स्टेप बाय स्टेप और रियल टाइम पर आपको सीखना है तो। और यहाँ पर ये वाला ड्राइंग करने के लिए मैं एक मैकेनिकल पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैकेनिकल पेंसिल मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो पॉइंट है हमेशा पॉइंटेड ही रहता है, शार्प करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। आपको भी मैं रेकमेंड करूँगा कि आप भी एक मैकेनिकल पेंसिल का इस्तेमाल करो, जो कि उसका लीड HB या फिर 2B, मतलब लाइट ग्रेड का एक लीड आप इसका इस्तेमाल कर लेना, ताकि आपका जो ड्राइंग है वो क्लीन रहे। अगर कुछ गलती हो भी जाते हैं आप जैसे इरेज कर सकते हो। बहुत सारा बिगिनर आर्टिस्ट ये वाला गलती करता है कि वो डायरेक्टली क्या करता है, डार्क ग्रेड का पेंसिल इस्तेमाल कर देता है, जैसे कि 4B 6B, तो क्या होता है जो पेपर है वो भी डैमेज होता है और आउटलाइन भी नीट एंड क्लीन नहीं होता है, मतलब गंदा हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा हमेशा एक लाइट ग्रेड का पेंसिल इस्तेमाल करके आप आउटलाइन और ग्रिड दोनों बनाया करो। और एकदम आखिर में एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको इस तरह का ड्राइंग वीडियो देखना पसंद है तो एक बार मेरा चैनल देख लेना, पसंद आता है तो कर देना सब्सक्राइब। एक मिनट, अगर आप अभी तक ये वाला वीडियो देख रहे हो तो मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको इस तरह का ड्राइंग वीडियो देखना पसंद है तो एक बार मेरा चैनल देख लेना, अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।